ये देखें रोड टू है, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब मेरे बच्चों एक चीज़ अंडरस्टूड सी है कि भाई हाँ सपोज करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो मैं खेल खेलूँगा, खेल क्या खेलूँगा, डी एक्स अपनी जगह रूट टू को बिल्कुल ऊपर जो चीज़ होती है ना सबसे नीचे आ जाती है, ऐसे करके, ठीक है ऐसे करके आ गई। अब अगले स्टेप में मैं इसको साइन एक्स से भी मल्टीप्लाई कर दूँगा, कॉस एक्स से भी। वेट अ मिनट, जब प्लस का निशान हो तो कॉस को हम पहले लिख सकते हैं, साइन को बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मैं कॉस एक्स इंटू वन अपॉन रूट टू प्लस साइन एक्स इंटू वन अपॉन रूट टू। आखिर ये सब मैं कर क्यों रहा हूँ यार, याद करो वन अपॉन रूट टू बराबर किसके होता है रे, साइन 45 और कॉस 45, 45 बोले तो पाई बाय 4, यानी वन अपॉन रूट टू की जगह मैं कॉस पाई बाय 4 भी लिख सकता हूँ और साइन पाई बाय 4 भी लिख सकता हूँ। मैं यही खेल खेलूँगा, मैं यही खेल खेलूँगा। यह हो गया कॉस एक्स पाई बाय 4 प्लस साइन एक्स पाई बाय 4। अब मैंने क्यों किया, क्योंकि भाई एक फार्मूला होता है मेरे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा का, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, अल्फा की जगह है एक्स है, बीटा की जगह पाई बाय 4 है, क्या ये मेरा फार्मूला लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया कॉस अल्फा यानी एक्स माइनस पाई बाय 4, ये तो भाई कॉस एक्स है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना sec x माइनस पाई बाई 4 डी एक्स, और sec का इंटीग्रेशन क्या होता है ln sec प्लस टेन एक्स, यानी ln sec x की जगह x माइनस पाई बाई 4 प्लस हाँ जी टेन, और x की जगह x माइनस पाई बाई 4 प्लस c, ये मेरा आंसर हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा सवाल है। cos x अपॉन में sin x इंटू ln x, जब भी इस टाइप का सवाल हो z किसको मानो, ln वाले पार्ट को, ln sin x को मान लो z। अब देखो ln का डेरिवेटिव क्या होता है, ये चीज़ अपॉन में चली जाती है, ln x का होता है 1 अपॉन x, फिर x का डेरिवेटिव दोबारा, तो 1 अपॉन sin x का डेरिवेटिव ऑफकोर्स cos x होता है, dx आएगा जब हम बात डिफरेंशियल की कर रहे हैं। तो फिर अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये हो गया z और ये पूरा पार्ट cos x dx अपॉन sin x, ये हो गया dz, यानी कि dz और 1 अपॉन z यानी कि ln z, और ऑफ कोर्स z हमने क्या माना था ln sin x माना था, तो ln फिर ln sin x प्लस c। यहाँ देखो ये भी कुछ मिलता जुलता है, z में दोबारा ln sin x को ही मानूंगा, तो dz मेरा क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin x इंटू cos x dx। बस फर्क ये है कि वहाँ पे ln z x नीचे था या ln x ऊपर है, यानी यहाँ कुछ ये सिचुएशन हो जाएगी z dz। अब खाली z का इंटीग्रेशन हमको पता है z स्क्वायर अपॉन 2 होता है, z की जगह क्या मौजूद है ln sin x, तो स्क्वायर कहाँ आएगा ln sin x, क्या x पे आएगा ln पे या sin पे, तो ऑफ कोर्स sin पे आता है, ln sin स्क्वायर x 1 अपॉन 2 ऑफ कोर्स प्लस सी तो होगा ही होगा, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स को हम क्या मानेंगे भाई, देखो ज़्यादा बेहतर ये कि पहले एक स्टेप कर लो, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये मेरे जहन में क्यों ख्याल आया, दो बजाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है साइन टू एक्स। अब एक्स को मैं मान लूँगा यू और इसको मान लूँगा वी, फार्मूला कहता क्या है, पहले u फिर v का इंटीग्रल, तो इसका मतलब है मेरा जो x है ये u है, ये आ गया 1/2 को मैं एंड में मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ये मैंने लिख दिया, और v sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है भाई, फिर माइनस इंटीग्रेशन का निशान ये रहा, u का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव 1 होता है, फिर इंटीग्रल वी टी एक्स माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, ये माइनस से बाहर चला जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखो माइनस एक्स बाई टू कॉस टू एक्स प्लस 1/2 साइन टू एक्स प्लस सी फाइनली। लेकिन एक स्टेप मैं और करूँगा, वो क्या स्टेप होगा भाई मेरा,
ये 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ये मैंने नहीं किया था, एंड में कर दूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा।